गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ में जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डेफिनेशंस बताई थी लाइन सेगमेंट वगैरह की, तो एक बात और ज़रा समझ लीजिए कि जो लाइन है, लाइन इस लाइन को सपोज़ ये पी क्यू एक लाइन है, पी और क्यू, और ये दोनों एंड शो कर रहे हैं कि ये दोनों एक्सटेंड हो रहे हैं कहीं तक भी। तो इसको हम इस तरह करते हैं, पी जैसे ये पी क्यू है ना, तो पी क्यू और इसके ऊपर हम एरो दोनों लगाएंगे, ठीक है। शायद लास्ट वीडियो में मैंने एरो लगाना भूल गया था मैं, तो ये जो एरो हैं वो ये शो करते हैं कि ये लाइन है, लाइन के लिए हम पी क्यू लाइन शो करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का मतलब है कि अगर लाइन इस तरह से है, दोनों एंड उसके क्लोज हो रहे हैं और ये पी है और ये क्यू है, ठीक है, इस तरह से है, तो हम उसे पी क्यू ऐसे लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसे लाइन करेंगे। इसको मैंने शायद लाइन कह दिया, मैंने इसमें एरो नहीं लगाए थे, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि इसके एंड्स जो हैं वो एंड दोनों स्टॉप हैं, मतलब अपनी जगह पर, यहाँ पर कोई ऐसे एंड्स नहीं हैं जो कहीं तक जा सकते हैं, बस वो उसके दो फिक्स पॉइंट हैं। अगर उसके दो फिक्स एंड हैं तो वो लाइन सेगमेंट है, और जो एंड हैं वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, वो नेवर एंडिंग है, कहीं तक भी एंडलेस हैं, वो कभी कहीं तक भी बढ़ाए जा सकते हैं, तो वो लाइन है। तो लाइन हो गई, लाइन सेगमेंट हो गया। उसके बाद आता है रे। रे का मतलब होता है कि अगर कोई इस तरह से बना हुआ पॉइंट, इसमें ए दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट दिया हुआ बी, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये फिक्स पॉइंट है, लेकिन ये एंडलेस है, ये कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो जब भी हम रे को लिखेंगे तो ए बी करके उसके ऊपर ऐसे लगा देंगे एरो। इसका मतलब है ये एक रे है जो एक एंड उसका फ्री है और एक एंड फिक्स है, ठीक है। तो आई होप आप रे, लाइन और इनको लिखना समझ गए होंगे। तो अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है कि आप इसमें लाइंस का नाम दीजिए, तो लाइंस का नेम आप इस तरह से देंगे, कोई भी लाइन होगी उस पर इस तरह से ऊपर एंडलेस बनाएंगे, दोनों तरफ एरो बनाएंगे, और लाइन सेगमेंट होगा तो बिल्कुल फिक्स पॉइंट होंगे, रे होगी तो एक एंड फिक्स होगा और एक एंड पर एरो बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस का करा था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब देखें ज़रा, यह है कर्व, ठीक है। अब पहले बात हो रही थी लाइंस की, ठीक है, आपने यहाँ पर देखा था, ज़रा एक फिगर आया था यहाँ पर, ये वाला, तो इसमें ये तो लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट है इसलिए लाइन है। ये जो लाइंस हैं ये लाइन नहीं, इनको कर्व कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुड़ रही हैं कहीं ना कहीं, इनको हम कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये कर्व में आ जाइए। अब कर्व क्या है कि कर्व इज़ डिफाइंड एज अ लाइन विच इज़ नॉट स्ट्रेट। जब लाइन की बात होती है तो हमारे दिमाग में आती है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा लाइन, ठीक है। कर्व का मतलब होता है राउंड, यानी कि कहीं ना कहीं से टर्न हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कर्व किस तरह के हैं, देखो एक ये पूरा एक कंप्लीट राउंड है, ये कर्व है, यहाँ पर ये कर्व कुछ अलग तरह का है, यहाँ पर ये कर्व कुछ अलग तरह का, और यहाँ पर कुछ अलग तरह का। इसका मतलब कर्व अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन कर्व बेसिकली दो तरह के होते हैं, कर्व आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व, द कर्व विच डज नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम टाइम सेम पॉइंट इज नोन एज ओपन कर्व। ओपन कर्व मीन्स है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है वो डिफरेंट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होते, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं ख़त्म नहीं होता, ये दोनों पॉइंट अलग अलग होते हैं, तो इसे ओपन कर्व कहते हैं, क्योंकि ना तो ये साफ दिखता है कि ये दोनों पॉइंट, जिसके दोनों पॉइंट्स खुले हुए हैं, दोनों अगर ये दोनों एंड मिल जाएं तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बंद नहीं होते, ये ओपन कर्व है, ठीक है। तो ये सभी ओपन कर्व के एग्जाम्पल्स हैं, ये ओपन कर्व्स हैं। फिर आता है क्लोज्ड कर्व, द कर्व विच बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम टाइम इज नोन एज क्लोज्ड कर्व। अब आप देखें इस कर्व में, इसमें कोई भी पॉइंट एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, इसके अंदर भी एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, और इसके अंदर भी एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, तो ये क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रैक्टिस जोन वन।
प्रैक्टिस जोन वन में आपको पहले क्या करना है, आपको वही करना है कि एक फिगर दी हुई है, ये इसके अंदर आपको जितनी भी लाइंस हैं वो फाइंड आउट करनी है। अब देखें बेटा, ओ और सी, यहाँ देखिए लाइन कौन सी हो सकती है, लाइन हो सकती है ए डी। ए डी एक लाइन होगी, क्यों? क्योंकि एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों ओपन है, दोनों एंडलेस हैं, ठीक है, दोनों एंडलेस हैं। अगर ये दोनों पॉइंट पर एरो है तो ये लाइन है, ठीक है, तो इसमें केवल एक ही लाइन होगी और कोई लाइन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज तो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर एक ही लाइन है। उसके बाद ऑल रेज, रेज का मतलब है कि एक पॉइंट फिक्स है, एक रे हो जाएगी, इसको इसका नाम क्या होगा, जैसे लाइन का नाम क्या था, ए डी, ए डी के आगे एरो टाइप का जो ऊपर बनाते हैं दोनों तरफ एंड पॉइंट करके, और ओ सी एक रे होगी, इसके ऊपर रे का निशान लगाएंगे, एक रे फिक्स करके और एक तरफ को ओ सी, ओ ए और ओ बी और ओ डी, ये चार रे होंगी इसके अंदर। ऑल पॉइंट्स, पॉइंट्स तो आप ये देख ही रहे हो, सी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो ये पांच पॉइंट्स के नाम दे देंगे। और ऑल लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स का मतलब है कि हमें लाइन सेगमेंट्स का मतलब है कि फिक्स लाइनें हमें केवल बतानी है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर ए एक फिक्स पॉइंट है और ओ फिक्स पॉइंट है, तो ए ओ एक फिक्स पॉइंट हो सकता है, ओ डी भी हो सकता है, ओ सी, अगर हम दोनों को फिक्स पॉइंट के तौर पे माने, और ओ बी, लेकिन इसके आगे हम केवल ऊपर लाइन करेंगे, एरो वगैरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें इस एंड के फ्री होने से कोई मतलब नहीं है, हमें ओ से डी तक की दूरी लेनी है, ओ से सी तक की लेनी है, ओ से ए तक की लेनी है, ओ से बी तक की लेनी है, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे। अब देख, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइंस एंड द लाइन विच इंटरसेक्ट द पैरेलल लाइंस। तो देखो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, एम और एन, तो आप लिखेंगे लाइन एम एन एन आर पैरेलल, तो पैरेलल का साइन लगा सकते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, एल, एल इज इंटरसेक्टिंग एम एंड एन एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग कर्व्स आर ओपन और क्लोज्ड। अब ये जो कर्व दिए हैं ये ओपन हैं या क्लोज हैं, ये आपको बताना है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ बता चुका हूँ और ये सारा वर्क करके आपको मुझे भेजना है, ये प्रैक्टिस जोन आप मुझे कंप्लीट करके भेजेंगे। नेक्स्ट इज आगे आ जाते हैं, ये है एंगल। अब हम आ जाते हैं कि ये एंगल के बारे में, तेरा एंगल के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा है। आई एम थिंकिंग हाउ टू क्रैक द कोड बट द फिगर आर वी हैव स्टडीड सो फार डू नॉट हैव वर्टिसेस। सो फार वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी डेफिनेटली गिव यू सम, ठीक है। अब हम सीधा एंगल पे आ जाते हैं कि एंगल क्या होता है, ठीक है। अब आप देखो द टू रे रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड साइड्स और आर्म्स। देखो ये दो रेज हैं, ये इनका जो कॉर्नर है, ये जो कोना है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, तो बर्ट इसको लिखेंगे वर्टेक्स ए, ठीक है। और ए से बी और ए से सी, ये दो इसमें साइड्स हैं, दो आर्म्स या दो साइड्स बोली जाती है एंगल की, दोनों साइड्स हैं, और इनके बीच में जो ये छोटा सा वो लाइन देख रहे हो, ये शो करता है कि इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये दो आर्म्स होती हैं, एंगल हमेशा दो आर्म्स के बीच में बनता है, और जहाँ पर ये दोनों रेज मिलती हैं उस जो कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब देखें एंगल के इसके अलावा इसको हम लिखते कैसे हैं, एंगल देखिए, अब जैसे किसी को लिखेंगे ये वाला ये एंगल है, इसको बोलेंगे एंगल ए, तो एंगल ए को कैसे लिखेंगे, एंगल का एक साइन होता है ये वाला और ए बना देंगे, लेकिन हम इसे एक और टाइप से लिख सकते हैं, इसे हम एंगल ए भी लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं एंगल सी ए बी। देखो आप एंगल सी ए बी, और इसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, यानी इसके तीन तरह से नाम हम इसके इसका नाम रख सकते हैं, तीन तरह से इसको नेम दे सकते हैं, एंगल सी ए बी या एंगल बी ए सी, इनमें से दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या एंगल ए भी इसको कह सकते हैं, जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से आप इनमें से तीनों में से कोई सा भी नाम इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक एंगल में अब कुछ नहीं रह गया, एंगल क्लियर होगा आपको।
अब इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ एंगल्स पे। टाइप ऑफ एंगल्स में पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स जो एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0° and 90°, 0 से 90° के बीच का एंगल, जीरो बिटवीन का मतलब हुआ 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 but lesser than 90, और एंगल बिटवीन 0 and 90 इज कॉल्ड अ एक्यूट एंगल। तो दिस इज एक्यूट एंगल, 50° इज एक्यूट एंगल बिकॉज ये 0 से छोटा है और 90 से बड़ा है। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मींस एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 90° and 180° इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मींस मोर देन 90 but less than 180, मोर देन 90 but less than 180। सो 110 एंगल इज अ ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज इट इज मोर देन 90 but less than 180, राइट। नेक्स्ट इज थर्ड टाइप ऑफ एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल मींस एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री लाइक दिस, ठीक है। तो आप देखें कि एंगल जब 90 डिग्री होता है तो उसमें अंदर भी इस तरह से कर्व ना करके इस तरह से हम उसका साइन बनाते हैं, और हम इस पर 90 ना भी लिखें तो इस साइन से समझ में आ जाता है कि दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सो 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल। राइट, नाउ द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मीन्स 180 एंगल, जस्ट लाइक राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड स्ट्रेट एंगल मीन्स एंगल ऑफ 180 डिग्री। जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, जस्ट अ फ्लैट लाइन इज कॉल्ड अ 180 डिग्री, और स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स मीन्स मोर देन 180, मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। मोर देन 180, तो 180 से और नीचे आ गए, 180 से और बड़ा एंगल हो गया, बट 360 से छोटा, तो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब मोर देन 180 बट लेस देन 360। एंड कंप्लीट एंगल मींस, कंप्लीट एंगल मींस ये जो दूसरी आर्म है वो पहली आर्म पे घूम के आ गई, यानी ये यहाँ से टर्न करके पूरी आ गई, यानी पूरा एक राउंड लग गया इस दूसरी आर्म का, पूरा एक राउंड लग गया, तो इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल या 360 डिग्री एंगल। तो आप इन एंगल्स को अच्छे से समझेंगे, और ये जो प्रैक्टिस जोन मैंने आपको बताई वन, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना वर्क आपको करना है, उसके बाद जो आगे का वर्क है वो नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ।